कथा मिलती है कि श्री विष्णु की इस भूमि यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान हुआ करता था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज कर रहे थे तो उन्हें ये स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देख कर वे मोहित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि यह तो उनके आराध्य का निवास स्थान है, ऐसे में वह उस जगह पर कैसे निवास कर सकते हैं। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने जाकर बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती कहीं बाहर टहलने के लिए गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते हुए देख माँ पार्वती की ममता जाग जाती है और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती है, लेकिन शिव जी पार्वती जी को रोक देते हैं। इस बच्चे को मत छूना, पार्वती जी कहती हैं, आप कितने क्रूर हैं, कैसी ना समझे की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई साधारण बच्चा नहीं दिखता है, ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया है। आसपास कोई भी नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। शंकर जी कहते हैं ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती है। और ये कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गईं। बच्चा पार्वती जी के गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे भी तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ पासी के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने अंदर से बंद कर दिया था। शिव बोले, मैंने कहा था इस बच्चे को मत उठाना, तुम बच्चे को घर के अंदर लाए, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो ही विकल्प थे, एक तो जो भी उनके सामने उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा कि वहां से चले जाएं। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं उसे छू भी नहीं सकता हूँ। भोलेनाथ तो समझ ही गए थे कि ये विष्णु हरि की कोई लीला है। अंत में विष्णु जी कहते हैं कि मुझे ये स्थान बहुत पसंद आया है, आप यहां से केदारनाथ चले जाइए, मैं इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम यानी कि बद्रीनाथ कहलाए और भोलेनाथ केदारनाथ में निवास करने लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि बद्रीनाथ धाम का नाम आखिरकार बद्रीनाथ कैसे पड़ा। मान्यता के अनुसार एक देवी के त्याग के कारण बद्री विशाल के इस धाम का नाम बद्रीनाथ रखा गया है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा था। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरीके से दब गए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप बारिश और बर्फ से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। जब माता से भगवान विष्णु की ये दशा नहीं देखी गई तो उन्होंने एक बेर यानी कि बद्री का पेड़ का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु को पूरे पेड़ से ढक लिया और इस प्रकार बर्फबारी को वो अपने ऊपर सहन करने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।